नमस्ते प्यारे भाई, देखिए क्या बोलता है। एक क्यूबॉइड है जो कि जिसके कॉर्नर्स टच हो रहे हैं स्फेयर की सरफेस में, ठीक है। तो उसका हमको स्फेयर का रेडियस बताना है प्यारे भाई, ठीक है। तो इसका रेडियस किसके बराबर होगा, जो क्यूबॉइड है उसके डायगोनल डायमीटर के बराबर होगी इसकी डायगोनल, ठीक है। उसी के डायगोनल का अगर हम आधा कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, रेडियस मिल जाएगा प्यारे भाई, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो क्यूबॉइड का डायगोनल होता है वो कैसे निकलता है, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर प्यारे भाई, ठीक है। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 784 आ जाएगा प्यारे भाई, ठीक है, जो कि 28 का स्क्वायर होता है। ये क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आ गया, ठीक है। अब इसी का बस आधा कर देंगे तो इससे क्या मिल जाएगा हमको, रेडियस ऑफ स्फेयर मिल जाएगा प्यारे भाई, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा, 28 का आधा कितना, 14, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे भाई। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो क्यूब में कौन सा फॉर्मूला यूज करते प्यारे भाई, √3a, ये वहाँ होता है डायगोनल। क्यूब में √3a डायगोनल होता है, और क्यूबॉइड में जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्यारे भाई, ठीक है। तो क्यूब के लिए हमेशा याद रखेंगे अंडर रूट 3a, जो भी ये डायगोनल का फॉर्मूला, ये भी क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3a होता है।